तो गाइस अगर आप भी एक्सिस डायरेक्ट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज शुरू में हम बात करने वाले एक्सिस डायरेक्ट के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। जरा दोस्तों, एक्सिस डायरेक्ट में हमें तीन ब्रोकरेज प्लान देखने मिलते हैं, तो इन तीनों ब्रोकरेज प्लान के बारे में बात करें कि इन तीनों ब्रोकरेज प्लान में हमें कितने ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं। साथ ही में हम एक्सिस डायरेक्ट के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर हमें जो है कितना चार्ज देना होता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल उसकी मत करना। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस डायरेक्ट के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। यहाँ पर हम अकाउंट ओपन करते हैं एक्सिस डायरेक्ट में हमें कितना अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना होता है। तो एक्सिस डायरेक्ट में आपका कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगता है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऐसा जो है कंपनी क्लेम करती है, लेकिन यहाँ पर आपका जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगता है, जिसके बारे में जो है आगे बात करेंगे। वहीं अगर हम एक्सिस डायरेक्ट के मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री होने वाला है, लेकिन आपका जो एक्सिस बैंक में अगर बैंक अकाउंट है तो ही आपका जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर फ्री होगा। और इसमें सेकंड ईयर से आपका जो है 750 रुपए प्लस 18% जीएसटी यहाँ पर आपको जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब कि पर ईयर यहाँ पर आपको देना होगा एएमसी चार्ज। और अगर आपका जो है इसमें अगर एक्सिस बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, यहाँ पर आपका मतलब फर्स्ट ईयर जो है 350 रुपये प्लस 18% जीएसटी चार्ज लगेगा, और सेकंड ईयर से यहाँ पर आपका 750 रुपये प्लस 18% जीएसटी पर ईयर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। तो इन तीनों प्लान में हमें अलग अलग ब्रोकरेज चार्जेस देखने को मिलते हैं, तो हम जो है सभी ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड प्लान के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका डिलीवरी में 0.50% जो है ब्रोकरेज चार्ज लगने वाला है, और इंट्राडे चार्जेस में यहाँ पर आपका 0.05% जो है पर ऑर्डर पर चार्ज लगने वाला है, और फ्यूचर में यहाँ पर आपका 0.05% चार्ज लगने वाला है सेम इंट्राडे की तरफ पर ऑर्डर पर, और ऑप्शन में पर आपका जो है 10 रुपए पर लॉट पर जो है चार्ज लगेगा। आगे हम नाउ और नेवर ब्रोकरेज प्लान के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका डिलीवरी में 0.25% पर ऑर्डर पर चार्ज लगने वाला है, और इंट्राडे चार्जेस में यहाँ पर आपका 0.03% पर ऑर्डर पर चार्ज लगेगा, और फ्यूचर की बात करें यहाँ पर आपको 0.03% चार्ज लगने वाला है सेम इंट्राडे की तरह, और ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो है 10 रुपीज पर लॉट पर चार्ज लगने वाला है सेम स्टैंडर्ड प्लान की तरह। जैसे स्टैंडर्ड प्लान में यहाँ पर आपका 10 रुपीज पर लॉट पर चार्ज लगेगा, वैसे ही जो है नाउ और नेवर प्लान में भी यहाँ पर आपका ऑप्शन चार्जेस में जो है 10 रुपीज पर लॉट पर चार्ज लगेगा। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लान के ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें, यहाँ पर आपका डिलीवरी में 0.5% पर ऑर्डर पर चार्ज लगने वाला है, और इंट्राडे चार्जेस में यहाँ पर आपका 0.05% चार्ज लगेगा, और फ्यूचर में यहाँ पर आपका जो है 0.05% चार्ज लगने वाला है सेम इंट्राडे की तरह, और ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो है 10 रुपीज पर लॉट पर चार्ज लगने वाला है, और ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में आपका जो 10 रुपीज पर लॉट पर जो है चार्ज लगता है। तो कुछ इस प्रकार से एक्सिस डायरेक्ट के इन तीनों ब्रोकरेज प्लान में अलग अलग ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इन तीनों ब्रोकरेज प्लान के प्राइसिंग के बारे में। यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड प्लान में 499 रुपये लगने वाला अकाउंट ओपनिंग का, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर आपका जो है ब्रोकरेज प्लान के हिसाब से आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगता है। तो मतलब कि स्टैंडर्ड प्लान में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पर आपका 499 रुपये लगने वाला है, और नाउ और नेवर में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पर आपका 5555 रुपये लगता है, और इन्वेस्टमेंट प्लान में यहाँ पर आपका जो है 1500 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगेगा। तो यार ब्रोकरेज चार्जेस के मुताबिक जो है ब्रोकरेज प्लान का प्राइस जो है बहुत ही हमें हाई देखने मिलता है। अगर आपको जो है इससे भी सस्ता ब्रोकर चाहिए, जिसमें अगर आपका जो है ब्रोकरेज चार्जेस जो है बहुत ही कम लगेगा, और साथ ही में यहाँ पर आपका कोई भी ब्रोकरेज प्लान भी नहीं लगेगा, तो मैंने जो इसका एक ब्रोकर का लिंक मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब उसमें आपका जो मतलब ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत मतलब डिस्काउंट में लगेगा, साथ में कोई भी ब्रोकरेज प्लान देखने को मिलता नहीं मिलता, और साथ में आपको उसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं लगेगा। तो जल्दी जाओ उसे जो है डाउनलोड करो। तो यार हम वीडियो को यहीं करते हैं। आप पर वीडियो पसंद आएगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।